शिवहर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के आज 65वें जन्मदिन समारोह पर शिवहर में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। शहर के गांधीनगर भवन में आयोजित जन्मदिन समारोह में उनके पुत्र और शिवहर से राजद विधायक चेतन आनंद ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान मौजूद हजारों लोगों ने एक स्वर में आनंद मोहन को जेल से रिहा करने की मांग की। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लवली आनंद, बिलसंड के विधायक संजय गुप्ता, आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद और अन्य नेताओं ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को खिलाया। इस मौके पर पूर्व सांसद लवली आनंद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आनंद मोहन जी का जन्मदिन है। उस दिन जिस तरह से चेतन आनंद के द्वारा यह कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह रखा गया है और बाकी आयोजक के द्वारा, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि भाई नेता का तो सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम हो रहा है और वो भी इतने अच्छे दिन में, इतने शुभ अवसर में, जिस दिन आनंद मोहन जी का जन्मदिन, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। वहीं विधायक चेतन आनंद ने कहा कि जनता का प्रेम कभी नहीं भूला जा सकता है। आज जो ये जीत है वो कहीं ना कहीं शिवहर वासियों ने पापा को तोहफा दिया है और हम लोगों ने भी सोचा एक रिटर्न गिफ्ट के नाते सभी लोगों को कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बुलाया है और सब लोगों को सम्मानित करने का यहाँ पर हमारी एक छोटी सी प्रयास है, क्योंकि जितना बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है वो अब हमको लगता है अपने काम के जरिए ही हम उसको रिटर्न कर पाएंगे और यही आशा और उम्मीद है खुद से भी और बाकी लोगों से भी कि मतलब कि उनके उनके काम में किस तरीके से हम अब काम आए, यही हमारी उम्मीद है।